कि इतना बड़ा प्लांट मैं लेके आई थी और इतने बड़े प्लांट से मैंने कितने पौधे बनाए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे अगर आसानी से लग जाने वाला कोई पौधा होगा ना, तो मुझे तो मेरे गार्डन में एक साल के एक्सपीरियंस से मैं अपने बता रही हूँ, मेरे पास बहुत पौधे हैं, ये मेरे एक साल के एक्सपीरियंस में एक टूलिप का मेरे पास में एक और वैरायटी है और ये मैंने एक इतना सा पौधा लाया था, मैंने इतना छोटा सा पौधा लाया था और देखो मैंने उसे कितना मल्टीप्लाई किया। ये ज्यादा नहीं, 3 महीने के अंदर का है ना, ये सारी पौधे आपको 3 महीने के अंदर के दिखेंगे और इनकी हाइट ना मैं आपको बताऊँ 2-2 फीट के ऊपर है। देखो इनकी कितने बुशी हैं, ये तो मैंने देखो बोरी में लगाए हैं, इस टाइम इतनी बारिश हो रही है, इजी टू ग्रो है यार और आपको केयर करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो छोटा सा गमला है और इसमें देखो नीचे छेद बनी हुई है, इन छेद को बस कवर कर देना है गिट्टियों से, उसके बाद में आप नॉर्मल मिट्टी डाल सकते हो, बस मिट्टी मेक श्योर करना, देखो इसमें तो काफी कम मिट्टी हो गई यार, इसको थोड़ा सा रिपोर्टिंग में डालना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा इसको। मैं देखो एक चीज का ध्यान रखती हूँ कि मिट्टी ना एकदम चिकनी मिट्टी नहीं हो यार, अगर चिकनी मिट्टी है ना उस मिट्टी में आप थोड़ा सा बालू ऐड कर दो या कोकोपीट ऐड कर दो जो आपके पास में अवेलेबल है, अगर कोकोपीट नहीं है तो आप बालू ऐड कर सकते हो, सैंड ऐड कर सकते हो, जैसे सैंड भी बोलते हैं, बालू भी बोलते हैं, रेती भी बोलते हैं आपकी भाषा में जो बोलते होंगे। एंड देखो नहीं है आपके पास में गमले तो आप ऐसे बोरी में भी लगा सकते हो, ये बस पूरा कवर कर दिया देखो चारों तरफ से, इसकी खूबसूरती देखो, छोटा सा कटिंग लगाना है और उसके बाद में लगाने के बाद में बस आपको क्या करना है ट्रिमिंग करते जाना है, जैसे ऐसे फूल आते हैं ना इसमें भी ऐसे फूल आते हैं, बस इसको तोड़ते जाना है, पिंचिंग करते जाओगे ये बुशी हो जाएगा और इसको ना बहुत खाद वाद की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास में वर्मिंग कम्पोस्ट है जिसे हम केचुआ खाद भी बोलते हैं, अगर वो है तो आप महीने में थोड़ा सा एक मुट्ठी डाल दो एक पौधे में, और नहीं है वर्मिंग कम्पोस्ट अगर आपके पास में गोबर खाद है तो आप गोबर खाद भी डाल सकते हो, और ये आपके गार्डन को ऐसे ही खूबसूरत बनाए रखेंगे यार, कुछ भी नहीं करना है इससे ज़्यादा, बस हाँ पानी ध्यान से आपको देते रहना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं हो, ड्रेनेज के लिए देखो हमने होल बनाया है, इसका मतलब यही होता है कि जो भी पानी आप पौधे के अंदर डालते हो ना वो डालने के बाद में उसके अंदर थमा हुआ नहीं रहे, नहीं तो उसके जड़ ना सड़ जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी ना निकल जाए जब भी आप उसमें डालते हो मिट्टी गीला होने के बाद में, तो आपका पौधा ऐसे ही खिलता हुआ रहेगा, खुश रहेगा और आपको मजा देते रहेगा। मैं आपको बताऊँ मैं बीच में अभी पौधे लेने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे ना इसका एक और वैरायटी मिला, ये वाला, और मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इतना सा देख रहे हो मैं तोड़ के लेके आई हूँ, और ये जब ग्रो हो जाएगा तो मैं इसका भी अपडेट दूंगी आप लोग को। दूसरी बात और ये देखो इसके पत्ते आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहे होंगे, इसका कलर थोड़ा सा उड़ गया है, जब बहुत ज्यादा धूप लग जाती है ना तो ये पौधे ऐसे ही उनके कलर उतर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर ऐसे इस तरीके से खूबसूरत सा दिखे तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा सन में नहीं, लेकिन हाँ आप थोड़ा पार्शियल शेड में रखिए, इनडायरेक्टली सनलाइट मिलते रहे ऐसे जगह रखो तो ये ऐसे ही सुंदर दिखता रहेगा, सुंदर देख रहे हो। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, मैं तो बारिश के मजे ले रही हूँ यार, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बाय।